सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो.com इंडिया जी नंबर वन सिंधी ऑनलाइन मैट्रिमोनी। असां वटि फ्री रजिस्ट्रेशन आहे, नॉमिनल मेंबरशिप चार्जेस आहिनि, काउंसलिंग भी प्रोवाइड कंदा आहियूं, असां सां हज़ारे सिंधी परिवार जुड़ियल आहिनि। पेड मेंबर्स जे लाइ फ्री रिश्तो मीट, हिकु कॉन्फ्रेंस रूम, उहो बि रिफ्रेशमेंट सां गॾु, त पोइ इंतज़ार छा जो, खणो फोन ऐं कॉन्टेक्ट कयो रिश्तो.com। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन दिनों शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाएं, जहां शहर में जैसे कोई कानून व्यवस्था बची नहीं और गुंड प्रकृति के लोगों के लगातार हौसले बुलंद होते जा रहे, जहां सड़क पर धक्का लगने से एक बदमाश ने रास्ते पर धमकाते हुए चापड़ निकाला। इस प्रकरण में उल्लासनगर क्राइम ब्रांच की पुलिस टीम ने अब उस गुंडे को गिरफ्तार किया है और यह पूरी घटना CCTV कैमरा में कैद हो गई। गिरफ्तार किए गए गुंडे का नाम परशुराम संपाल है और उसके पास से पुलिस ने चॉपर भी बरामद किया है। दो दिन पहले शाम के समय उल्लासनगर शहर के दरबी होटल के सामने एक व्यक्ति का परशुराम को धक्का लगा, जिस पर परशुराम ने उसके पास रखा चॉपर निकालकर व्यक्ति को धमकाया और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। इसी वीडियो के आधार पर अपराध जांच विभाग के पुलिस उप निरीक्षक कैलाश इंगले, पुलिस कांस्टेबल अर्जुन मुतलगिरी, नवनाथ कोरड़े, रेवनाथ शेकड़े और नाना अहरे ने पंजाबी कॉलोनी चौक से परशुराम को गिरफ्तार किया है। उल्लासनगर शहर में गुंडे बदमाश ऐसे घातक हथियार लेकर शहर में घूम रहे और अब भी पुलिस को ऐसे गुंडों को गिरफ्तार करने की जरूरत है। दिनांक 15-12-22 रोजी संध्याकाळच्या सुमारास हॉटेल दरबीच्या जवळ एका इसमावर चॉपर काढल्याचा आणि तसा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याची घटना घडली होती। त्यावरून आज रोजी गुन्हे शाखेचे PI श्री अनिल मांगले यांच्या नेतृत्वाखाली PSI इंगळे, हवालदार मुतलगिरी व त्यांच्या पथकाने परशुराम सदाशिव सापकाळ वय 26 वर्ष, राहणार बाळासाहेब आंबेडकर नगर, याला ताब्यात घेतलं आहे। त्याच्यावरून एक चॉपर जप्त करण्यात आलं आहे। त्याच्याविरुद्ध त्यांनी 4-25 ॲक्ट कारवाई केली, आम्ही गुन्हा दाखल करून त्याच्याबद्दल पुढे कारवाई करत आहोत। त्याचा फक्त त्याचा असं म्हणणं आहे की माझा धक्का लागला होता, त्याच्यावरून आमच्या शिवेगाळ झाली होती, त्याच्यावरून त्यांनी लगेच आपल्या त्याच्यातून पॅन्ट मधून चॉपर काढला होता। त्याच्याविरुद्ध एक शिवाजीनगर पोलिसांना एक रॉबरीचा प्रयत्न केल्याचा एक गुन्हा दाखल आहे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।